वेलकम बैक टू आवर चैनल समय विक्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, सुबह नहा उहा करके मैं रेडी हो गई हूँ और बस आपने सारे ब्लॉग तो देखे ही हैं, क्योंकि अब मैं रीज़न बताती हूँ कि हम लोग उधर जल्दी ही शिफ्ट क्यों होने वाले हैं, वो भी रीज़न मैं आपको इसमें क्लियर करती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए गाइज, ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से कि ये कुछ लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो थोड़ा अजीब अजीब सा कमेंट कर रहे हैं, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने मेरे वेट लॉस और मेरे हेयर केयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी है, सो वो भी मैं इसमें बताऊंगी। वेट लॉस का तो मैंने बता दिया है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरा वेट था 75 kg, जो कि बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि उस समय मैं एकदम गोलगप्पा दिखती थी ना, एकदम गोलगप्पा। और अब मेरा वेट जो है वो 53 हो गया है। वो कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखो, देख रहे हो, ये मेरी बेटी ने अपना सिर जो है मेरे यहाँ मुंह पे पटक दिया, जिसके कारण ये फोड़ा हो गया है कि पूरा कट गया है ना, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये रही मेरी बेटी, हेलो कर दो। एक चुटी ऐसे कैसे होगी बेटू? सो अभी मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, और बाहर जा करके थोड़ा बहुत कुछ काम है, मतलब ऐसे ही मेरा पर्सनल कुछ काम है, तो वो जा करके मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। देन फिर अभी मैं जा रही हूँ, पहले क्या करने, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, नहीं क्योंकि मैं चावल बनाती हूँ तो मैं उसको फ्राई करूँगी, और आज मैं सोया फ्राई जो है वो चावल बनाऊँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो सोयाबीन मुझे बहुत पसंद है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? हाँ, और रहा हेयर केयर का, तो वो शॉर्ट्स वीडियो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ। रही बात कि बहुत लोगों ने कहा क्या आप अपना हेयर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करवाए हैं, तो नहीं गाइस, मैंने सिर्फ एक बार स्मूथनिंग करवाई थी बस, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। बस नेचुरल ही मैं जो हेयर केयर रूटीन जो फॉलो करती हूँ उसकी वजह से बालों में शाइन रहती है और सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ चलो, चलें बेटू। सो गाइस, ये मेरा बन गया सोया चावल, और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो बताओ, क्यों रो रहे हो आप, क्या हुआ? ऋषभ पापा रेडी हो गए? ऋषभ दिखाओ, हो गए आप रेडी? ये देखो क्या कर रही है, उनका लंच बॉक्स है। अब तो पंखे की आवाज ज्यादा आती है ना। शर्ट इसकी इतनी बड़ी है, ऋषभ पापा जा रहे हैं ऑफिस, बाय। हाँ, बाहर जाने की इसको अलग ही एकदम दिलचस्पी रहती है। आंखों का डार्क सर्कल कितना ज्यादा दिख रहा है। सो गाइस, हम लोग सब जा रहे हैं, यहाँ पर सुंदरकांड है उसमें जा रहे हैं हम सभी लोग। नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं भंडारे में। यहाँ देखो स्मार्ट बॉय, ये देखो स्मार्ट बॉय, किधर जा रहे हैं स्मार्ट बॉय, बुला रहा है मुझे।
इतना कहा मोर प्रभु की जय नाई चरण सिर चला सता हाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी और बंद राम पद पारही बारा मुनि ने आश्रम कहु पद उदारा मिने ने मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत राम जय राम जय जय राम जय मन बान सरासन आनु सत सन विनय कुटिल सन प्रीति तारत सन ज्ञान कहानी जो दी सम काम है बड़ी आरज़ू मुलाकात की नजी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू मुलाकात की जब से गोपियों से दूर हुए थे कृष्ण जी द्वापर की बात है जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता तो वही आ जाते हैं जहाँ हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे What is it?
की। और अब आपके सामने जो आ रहे हैं, आप उन्हें बहुत बार सुन चुके होंगे कहीं ना कहीं, कहीं चैनल पे, कहीं यूट्यूब पे, या कहीं सामने आमने सामने बैठ के भी। आ जाइए कांतपाल जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए के लिए। हालांकि मैंने काफी समय ले लिया, उस ऊपर वाले ने दे दिया, थोड़ा तो लेट हो गए, समझ चाहता हूँ। भगवान राम अयोध्या में अपने महल में विराजमान हो गए और हम We'll be right back.
जहाँ पर सुंदरकांड हो रहा था, सच पूछो मतलब वहाँ ना, ये बात तो सच में उन्होंने कहा, जो जो गायक थे वो जो एक बात कही उन्होंने कि सुंदरकांड में हर कोई नहीं पहुँच पाता है, बस वही लोग पहुँच पाते हैं जिनको भगवान संकेत देते हैं और वो पहुँचते हैं वहाँ पर सुंदरकांड में। लेकिन सच बताऊँ तो सुंदरकांड में जब आप बैठते हो ना, मैं बीच में गई थी, मैं शुरू से नहीं जा पाई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी और मेरे पतिदेव ऑफिस लेट गए थे तो वो लेट आए भी, तो जिसकी वजह से, लेकिन मैं बीच में ही पहुंची। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मन में सच में जो चीज़ें रहती है ना वो बाहर निकल आती है। अब जब आप सुंदरकांड में, मैं जब सुंदरकांड में बैठी हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि सारी चीज़ें छोड़ो, बस भगवान का ध्यान करो और जो होगा वो सब अच्छा होगा, बस इतना मैं जानती हूँ। बस गाइस अब घर पहुँच गए, थोड़ा सा थका थका सा मन लग रहा है, अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, क्योंकि प्रीशा भी है वो परेशान कर रही है सोने के लिए। सो गाइज बाय बाय, लव यू ऑल।